Dear students, in this module we are going to talk about the relationship of sociology and common sense. हम जब माशरे के अंदर मौजूद डिफरेंट sources of knowledge की बात करते हैं तो common sense जो है ये शायद हमारे लिए मोस्ट prevalent सोर्स ऑफ नॉलेज होता है हम देखते हैं इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसी ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू हमारे पास जो है बहुत सी जर्नलाइजेशंस भी आ जाती हैं जिनको हम अपने स्टॉक ऑफ नॉलेज का हिस्सा बना लेते हैं मिसाल के तौर तो पे हम अगर बात करें कि भाई गुरबत क्यों बढ़ रही है महंगाई क्यों बढ़ रही है तो इसके हवाले से जो कॉमन सेंस ऑब्ज़रवेशन है डेफिनेटली वो भी आपको बहुत से आंसर्स प्रोवाइड करती है इसके लिए किसी को एक टिपिकल प्रोसेस से गुजर के सोशालोजिस्ट बनना ज़रूरी नहीं है लेकिन आखिर क्या डिफरेंस है कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हासिल किए गए नॉलेज से में और सोशियोलॉजी के एक डिसिप्लिन को स्टडी करके उसकी बुनियाद पे हासिल किए गए नॉलेज में तो इस मॉड्यूल में हम इसको डिस्कस करते हैं कि दैट रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशंस ऑफ कॉमन सेंस एंड इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनमिना आखिर वो कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हैं जो कॉमन सेंस में हैं और उसके मुकाबले में कैसे सोशियोलॉजी का नॉलेज जो है या सोशियोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरा हुआ जो नॉलेज है इट इज़ कंसिडर्ड मोर क्रेडिबल सो क्वेश्चनिंग द कॉमन सेंस एजम्पन एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स क्योंकि हमारे कॉमन सेंस के ज़रिए जो भी नॉलेज पैदा हुआ होता है वो बड़ा स्टेरियोटिपिकल होता है लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस की बुनियाद पर होता है मसला हम एक पर्टिकुलर एथनीसिटी के किसी भी ग्रुप मेंबर से जो है वो हमारा वास्ता पड़ता है वो खुदा ना खास्ता हमें धोखा दे देता है तो हम उसके हवाले से एक जनरलाइजेशन डेवलप कर लेते हैं कि अच्छा इस एथनीसिटी के सारे लोग ही शायद इस तरह के होते हैं और ये एक कॉमन बिहेवियर है उस ग्रुप का बिल्कुल इसी तरह से हम किसी एक ऐसे एथनीसिटी या एक ऐसे ग्रुप मेंबर से हमारा ताल्लुक़ बनता है वास्ता पड़ता है जो हमारे लिए ज़रा फ्रेंडली साबित होता है तो उसके हवाले से हम फौरी तौर पे शायद ये ऑब्ज़रवेशन डेवलप कर लें या ये ओपिनियन डेवलप कर लें कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जो हैं वो फ्रेंडली होते हैं वो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं और आ, बहुत अच्छे होते हैं तो ये जो कि कॉमन सेंस नॉलेज होता है और कॉमन सेंस नॉलेज जो है वो स्टेरियोटिपिकल होता है लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे होता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होता है इस वजह से ये लेस क्रेडिबल होता है रिलायबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द साइंटिफिक नॉलेज एंड क्वेश्चनिंग द कॉमन सेंस सेंसम्शन एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एक्नोलजिंग द डाइवर्सिटी एंड कम्प्लैक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रियालिटी चूँकि हमारे इर्द गिर्द जो ग्रुप्स और सोसाइटीज़ हैं उनके बिहेवियर ओवर सिंप्लीफाइड नहीं होते किसी एक या चंद लोगों से ताल्लुक़ की बुनियाद पर हम ये नहीं तय कर सकते कि इस पूरे ग्रुप की बिहेवियर किस तरह का हो सकता है हमारी जो ऑब्ज़रवेशंस हैं वो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से ताल्लुक़ या वास्ते की बुनियाद पर डेवलप हुए हों जो शायद उस ग्रुप को एडिकेटली रिप्रजेंट नहीं करता है बल्कि कुछ आउटलायर्स हैं कुछ ऐसे लोगों से हमारा ताल्लुक बन गया जो शायद उस ग्रुप से अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे तो इस वजह से ये जो टिपिकल कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर नॉलेज या ओपिनियन डेवलप हुई होती है वो ज़्यादातर मिसलीडिंग होती है सो अप्रिशिएटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस एंड सिस्टमेटिक रिसर्च इज़ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड रिकोगनाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन द सोशल फिनिना तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इम्पॉटेंट होता है मुख्तलिफ चीज़ों को उनके कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ रवैयों को उनके कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे मिसाल के तौर पर आज से सौ साल पहले इसी पाकिस्तानी माशरे के अंदर या सब कॉन्टीनेंट के अंदर हम मेरेज या मैरिटल स्टेटस की बात करें या मेरेज के प्रोसेस की बात करें तो हो सकता है कि उस वक़्त बिलो एटीन मैरिज कुड बी वेरी कॉमन डूरिंग दैट पीरियड लेकिन उसी कॉन्टेक्स को आज अगर हम आज के माशरे में अप्लाई करने की कोशिश करें तो शायद इट वुड नॉट मेक एनी सेंस और हमें ये लगेगा पर मज बिलो एटीन इज़ अ खाइंड ऑफ इनकॉलिटी और इज बेस्ड ऑन इनजस्टिस तो कोई भी इंसानी रवैया जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोकल कॉन्टेक्स भी बहुत अहम होता है इसी तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट है एक रवैया जो आ, वेस्टर्न यूरोप के अंदर लोग कर रहे होंगे वो हो सकता है पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स के अंदर आ, उसको अब नॉर्मल कंसीडर किया जाता हो वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर वो परफेक्टली नॉर्मल कंसीडर किया जाता हो तो सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड होती है ना के बेस्ड ऑन योर पर्सनल बाइसिस एंड प्रोजुडाइस then avoiding the simplistic explanations and generalizations based on personal experiences or anecdotal evidence तो जैसे कि पहले हमने बात की कि personal experiences जो हैं वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि misleading होते हैं तो इस वजह से हमें personal experiences की नस्बत sociological knowledge जो कि systematic observations की बुनियाद पर construct हुआ होता है उसके ऊपर rely करना चाहिए

फूड फॉर थाट फॉर यू अगेन दैट एग्जाम्पल फ्राम पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ दैट चैलेंजिंग द कामन कामन इजम्पन दैट ऑल पाकिस्तानी विमेन आर ओप्रेस्ड एंड सबमेसव जैसे हम टिपिकली मीडिया uh, के अंदर देखते हैं या वेस्टर्न एक्डेमिया के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तानी विमेन को अमूम जो पोट्रे किया जाता है वो ऑपरेस्ड हैं सबमेसव हैं uh, और uh, हमेशा एक सबॉर्डिनेट पोजिशन के ऊपर हैं तो ये आपके लिए एक फूड फॉर थाट है कि इसको अगर आप थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें कि क्या वाकई अगर एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन की जाए तो क्या वाकई वेमेन आर इन ट्रू सेंस सबमेसिव एंड दे आर ओप्रेस्ड इन पाकिस्तानी सोसाइटी और देर आर सम अदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट एज वेल